बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़। खबर शामिल करेंगे गुजरात से। थाना कुंजा पुलिस ने शादी वाल पावर हाउस से मिलने वाली बोरी बंद नामालूम नश का मामला हल कर लिया। मुलजिम ने बेटे के साथ मिलकर बहन को तंग करने पर गले पर डंडे का दबाव डालकर मौत के घाट उतार दिया। थाना कुंजा पुलिस को शादी वाल पावर हाउस से एक बोरी बंद नामालूम नश की इतला मौसूल हुई, जिस पर DSP सदर सर्कल हाफिज इम्तियाज अहमद, SHO थाना कुंजा, SI अमीर अब्बास और इंचार्ज चौकी शादीवाल अदरीज अफजल, पुलिस टीम कैमरा जाय वकुआ पर पहुंचे और मौका से शवाहद इकट्ठे किए। बाद अजा मकतूल की शिनाख्त नाजम हुसैन वल्द गुलाम सरवर संगोवाली देवना मंडी से हुई। मकतूल के लवाकिन को तलाश करके नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। DPO गुजरात उमर सलामत ने इस अंधे कत्ल को ट्रेस करने के लिए DSP सदर सर्कल हाफिज इम्तियाज, SHO थाना कुंजा, SI अमीर अब्बास, इंचार्ज चौकी शादीवाल, SI अदरीस अफजल और दीगर पुलिस मुलाजमान पर मुश्तमल खसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने इंतहाई मेहनत और पेशा वाराना सलाहितों को बरूए कार लाते हुए वकुआ में मुलवस मरकजी मुलजम अफजल वल्द मैदी खां सकना टिब्बी चांद को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम ने दौरान इंटेरोगेशन इंकशाफ किया कि वो शाम के वक्त घर पर आया तो नाजम हुसैन इसके घर पर पहले से मौजूद था, जिस पर मैंने अपनी बहन से इसके मुतलक दरियाफ्त किया, जिसने बताया कि नाजम हुसैन इसे तंग करता है और ज़बरदस्ती घर में दाखिल हो जाता है, जिस पर तैश में आकर मैंने अपने बेटे नदीम अफजल और बहन के साथ मिलकर मकतूल के गले पर डंडे का दबाव डालकर मौत के घाट उतार दिया और नश को कपड़ों की गठरी में बांध दिया। बादशाह नश को मोटरसाइकिल के आगे रखकर चकोड़ी बेलेवाल पुल पर ले गया, जहाँ इसने नश नहर बुर कर दी और घर वापस आ गया। मुलजम का बेटा नदीम अफजल ताल रूपोश है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है, जबकि गिरफ्तार मुलजम की मजीद इंटेरोगेशन जारी है।